बच्चेदानी के कैंसर को कैसे पहचाने? अब बच्चेदानी कैंसर का जो प्रमुख लक्षण होता है ब्लीडिंग होना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, वो कभी भी हो सकती है, ज़्यादा अमाउंट में हो सकती है, महीने के बीच में हो सकती है, महीने के समय ज़्यादा हो सकती है, जब महीना नहीं आ रहा है तब भी हो सकती है। तो ब्लीडिंग हो रही है, अब उसको कैसे पहचाने? बहुत सारी महिलाओं का रहता है कि ब्लीडिंग तो बहुत सारी कंडीशन में हो सकती है, ब्लीडिंग तो यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन में हो सकती है, जो हाइपरप्लीजिया है उसमें भी हो सकती है, इसके अलावा अगर कोई पॉलिप है उसमें भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है, और ब्लीडिंग तो जैसे कि यूट्रस के का कैंसर है उसमें भी हो सकती है। तो ये एंडोमेट्रियम का कैंसर ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए जो जांच है, एक तो है सोनोग्राफी की जांच, बेटर ये रहती है कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी हो, मतलब वजाइना के रास्ते प्रोब डाल के उसको चेक करा जाए, और उसके बाद फिर यूट्रस के अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी दिखती है, कोई उसमें ग्रोथ दिखती है, थिकनिंग दिखती है, पॉलिप दिखता है, उसकी बायोप्सी लेना है। बायोप्सी मतलब कि टिशू का टुकड़ा लेना है, जो कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी, उससे भी लिया जा सकता है पीपल के द्वारा, और इसके अलावा डीएनसी करके, मतलब कि यूट्रस का जो मुंह है उसको खोलना है और अंदर से क्यूरेटाज कर लेना है, उससे 100% केस में पता चल जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं। तो एंडोमेट्रियल कैंसर का जो सबसे प्रमुख जाँच है पता करने की, सोनोग्राफी है और डीएनसी, इससे पता चलता है। और यूट्रस का कैंसर अगर किसी को पता चल गया है तो आसपास के एरिया में कितना फैला है ये जानने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई, तो ये प्रमुख जांचें हैं जिससे एंडोमेट्रियल का कैंसर पता चलता है। ब्लड टेस्ट से इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, तो ये बातें हैं एंडोमेट्रियल कैंसर को शुरुआती स्टेज में पहचानने के लिए। शुरुआती स्टेज में पकड़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसका इलाज बहुत अच्छा हो पाता है शुरुआती स्टेज में, और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, स्टेज बढ़ता है, वैसे इसका ट्रीटमेंट बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बड़ा ख़तरनाक हो जाता है ट्रीटमेंट इसका करना, और ये काफ़ी कॉमन भी है, धीरे धीरे अब काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है।